खुलासा हुंदा है नजदीक एक बार फिर तो सवाल के घेरे किए हुए नजर आए कि चन्नी ने तीन महीनों के कार्यकाल के दौरान 60 लाख रुपए का खाना ही खाधा है। सरकारी बिलों की पीटीसी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव कॉपी भी है। चन्नी के सीएम बनने के समय सरकारी रिहायश के 5-5 लाख के ब्रेकफास्ट आते रहे हैं तो 2500 रुपए प्रति लीटर का जूस भी चरणजीत सिंह चन्नी पीते सन। चोन जाबते वाले दिन भी हजारा रुपए के बिल पेंदे रहे। इन्ना ही नहीं ताज होटल 3900 जी हाँ 3900 प्लेट के हिसाब के नाल खाना आता सी। कुल 60 लाख रुपए के खाने पर साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कह रहे हैं उन्होंने हुण सफाई दी है। वो कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों ने यह खाना खाधा होगा मैनू बदनाम किया जा रहा तो अपने बचाव के कहते हुए नजर आए कि यह सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है जबकि बिल कुछ होर ही बयान कर रहे हैं। सरकारी बिलों की पीटीसी न्यूज़ को एक्सक्लूसिव कॉपी है जो तुम देख भी पा रहे हो। कुल 60 लाख रुपए का यह खाना जो है वह खाधा गया है। इसे लैके एक बार फिर तो सवालों के घेरे के साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आए हैं। कांग्रेस के चन्न ने चटकारे ले खाधा 60 लाख का खाना। 3 महीनों के शाही भोज के बिल ने उड़ाए सब दे होश। आरटीआई ने किया खुलासा सफाइया सुन आवेगा हासा। यहां कांग्रेस के परदेसी होए चन्न यानी कि सूबे के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब जदों तो अपने देश अपने सूबे वापस परते ने किसी ना किसी विवाद विच घिरे नजर आ रहे ने। इस बार तो आरटीआई राही उन्हां दे शाही भोज नूं लैके जो खुलासा होया है उसने हर किसी दे होश ही उड़ा दिते ने अते सब दे सामने लिया के रख दिता है। चन्नी साहब के चेहरे तो छलकदे नूर दा राज। जी हाँ जो 2500 रुपए प्रति लीटर वाला जूस किसी मिले तो नूर ते रौनक ता चेहरे ते आ ही जानी है। दरअसल आरटीआई राही एक सीनियर पत्रकार दे वल्लों ये खुलासा किया गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब 3 महीने सूबे के सीएम रहे ते इन्हां 3 महीनों विच वो 60 लाख रुपए का खाना खा गए। राजा साहब तो एवं ही वध खर्चों लई बदनाम हो गए। असल राजा वाला शाही भोज तो चरणजीत सिंह चन्नी साहब करते रहे ने। उन्हां दी सरकारी रिहायश से रात का खाना ही 5-5 लाख रुपए का आता रहा 3900 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब न ताज तो। जी हाँ वाह ताज नहीं नहीं माफ करो वाह चन्नी साहब। यही नहीं जनाब लई जूस भी 2500 रुपए प्रति लीटर वाला आता सी। हुण फल केड़ा सी जिसका जूस 2500 रुपए प्रति लीटर वाला है ये तो बकायदा रिसर्च की जा रही है। हो सकता है चन्नी साहब वांग कोई इससे पीएचडी ही कर लवे। दस्या तो यह भी जा रहा है कि चोन जाबते वाले दिनों में भी हजारा रुपए के बिल आए और इस शाही भोज के बिलों की पीटीसी न्यूज को एक्सक्लूसिव कॉपियां ने। लास्ट जो टर्नओवर से 3 महीने की काफ़ी हाईलाइटेड से हर कोई देख रहा है वे वे कम हो रहे हैं। 3 महीने काफ़ी फास्ट ट्रैक से चरणजीत चन्नी जी कहते जी मैं कम कर रहा चर्चा बड़े रहे बहुत चर्चा च रहे तो सानू भी क्यूरियोसिटी सी भी असीं भी चेक करी जी चर्चा च रहे ने कर की रहे हैं कि सारा कुछ काम एक नंबर च हो रहा है दो च हो रहा है तीन च हो रहा है सारा कुछ चेक कर रहे हैं। जो असी आरटी पाई तो असं खुद हैरान सी ताज होटल के बिल वख-वख तरह की कैटरिंग्स के बिल पार्टीज़ के बिल डेली सवेरे ब्रेकफास्ट का बिल लंच का बिल मतलब कि सीएम के कोल घट्टो घट भी 2-3 तक कुक होंगे ही ने जिहड़ा उन्हां दी सेवा पानी करते हैं चाह पानी रोटी देंगे ने पर कुक होने के बावजूद ब्रेकफास्ट बाहरों थालियाँ आ रही हैं 200-200 थाली आ रही है लंच आ रहा है डिनर आ रहा है। जो असं तफ्तीश गए तो कुल करीब करीब 60 लाख रुपया और निकले कि 60 लाख रुपया इन्होंने खाधा वो जूस भी ताज होटल चो आते थे पानी की बोतल भी ताज होटल चो खाने के 3900 रुपए के बिल भी ताज होटल तो। पूर्व सीएम कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं खाधा मैं सारा कुछ घरें बनाता सी दाल रोटी खाता सीगा। अगर पूर्व सीएम ये कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी कि मैं कुछ नहीं खाधा फिर तो जाँच होनी बनती है कि ये जाली बिल पाए गए कि करप्शन हुई
की घपला होया, फिर तो बिल्कुल जांच होनी बनती है। सरकार को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किहड़े अफसर ने उस टाइम अलाउ किया इन्हों, किहड़े अफसर ने उस बिल ते साइन मारे, उस अफसर ने रोकया कौन नहीं, सीएम साहब को दस्या कौन नहीं कि चन्नी साहब तुम ये पार्टी होस्ट नहीं कर सकते, कोड ला चुके 8 लाख रुपया खर्चा होना है। यह तो जो उस अफसर जेब चो भरना चाहिए जो चरणजीत सिंह चन्नी जी को भरना चाहिए, तो सरकार को जांच करनी चाहिए। इस तरह शाही पोज से सियासत भी सिरे वाली हो रही है। विरोधियों वालों चन्नी साहब नू लगातार सवालों वाली चूंडी वड्डी जा रही है। भाजपा आगू तरुण चुग ने मामले में कार्रवाई की मांग करदिया कहा है कि साबका सीएम चन्नी ने असल में पंजाबियों का पैसा खाधा है अते वो राहुल अते सोनिया गांधी के राहां ते चल रहे हैं। दूजे पासे कांग्रेसी आगू अते विरोधी धिर के आगू प्रताप बाजवा हुण भी चन्नी का बचाव कर रहे हैं अते भगवंत मान ते पिक एंड चूज पॉलिसी के इल्जाम लगा रहे हैं अते नतीजे भुगतण की चेतावनी भी दे रहे हैं। इस पार्टी ने हमेशा ही देश के खजाने नाल धोखा किया, भ्रष्टाचार चाहे गांधी परिवार राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर या श्रीमती सोनिया गांधी अंदर 2004 तो 2014 देश के खजाने जो 12 लाख करोड़ रुपए लुटे गए, उ आदत पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप में पई है। चरणजीत सिंह चन्नी के जड़े आरोप लगे ने और सारे आरोपों की जांच होनी चाहिए। दुध का दुध पानी का पानी होना चाहिए और चन्नी साहब के भ्रष्टाचार दियां गाथावां पूरे पंजाब च अज मशहूर ने और मामा बांझा चाहे रेत खनन होए या होर भ्रष्टाचार के केसिस हो, दुध का दुध और पानी का पानी सामने आना चाहिए, दोषियों से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भगवंत मान को ये गल कहांगा, भगवंत मान जी जे तुहाडी विजिलेंस ने काम करना ते वो बिल्कुल ये जिन्ने भी बंदे इनवॉल्व ने भावें तुहाडी पार्टी दा, जे मैं पूछना चाहना चरणजीत सिंह चन्नी का जवाब तो चरणजीत सिंह चन्नी ही दे सकदे, पार्टी हमेशा उन्होंने नाल है जिन्हां नाल नजायज़ हो रही। हुण ये चीज़ां जिहड़ियां ने जे किसी ते इल्जाम लाए जा रहे ने, जिस व्यक्ति ते इल्जाम लगता है उन्हूं अपने वकीलों के जरिए अपनी दलील अपील के जरिए अपनी पोजिशन क्लैरिफाई करनी चाहिए है। पिक एंड चूज की पॉलिसी सानू नज़र आ रही है। भगवंत मान ते जेड़े दे आका ने दिल्ली च बैठे हुए उन्हां को कोई हुण इशू नहीं रह गया, पंजाब दे हर इशू ते वो फेल हो रहे ने। मैं इहदे ते यही गल कहांगा कि जे किसे नू हथ पाया तो प्रूव करो, जे नहीं प्रूव कर सकते तो फिर भगवंत मान जी फिर इस गल दी भी तुसीं रखियो कि जेड़े बंदे इस किस्म दा काम करदे ने उन्हां नू फिर खुद भी तैयार रहना पैंदा। उथे ही आरटीआई राही होए खुलासे ते चन्नी साहब ने भी प्रतिक्रम दिता है, जिस नू सुन के हो सकता है तुहानू हासा ही आ जाए पर गारंटी कोई नहीं। जी हाँ, साबका सीएम चन्नी साहब ने सफाई देंदिया कहा है कि ये तो उन्होंने बदनाम करने की साजिश है, उन्होंने तो सिर्फ घर का खाना खाधा है, जे किसी ने सीएम घर में खाना खाधा है तो वह पंजाब के लोग आके खा गए होंगे। मैं ना कदे जिंदगी शराब पीती है, आंडा मीट मैं नहीं खाता, मैं कोई नॉन वेज किसी तरह का नहीं खाता, सिंपल सादी रोटी मूंगी मसरी की दाल नाल खाता है। जे तुम शक है तो मेरे घर जाके पूछ लो या मेरा घर की रसोई देख लो, मेरी घर की रसोई दे विच चंडीगढ़ भी मेरा खाना अलग बनता सी, मेरा बाहरों कितें ते खाना कदे ना आया ना मैं कदे मंगाया, ना ही मैं अपने रात में कदे डिनर पर गैसटा नूं बुलाउंदा क्योंकि मैं शराब पिला नहीं सकता, पिलाउंदा ही नहीं किसी नूं, ना मैं आप पींदा, नॉन वेज मैं नहीं खड़ा आ सकता। इस करके ये सारिया ढकौंसलेबाजियाँ, जे किसी ने सीएम हाउस खाना खाधा है तो पंजाब के लोगों ने खाधा है, मैं कोई अपने बाहर तो बंदे तो लियाया नहीं खाने वास्ते, वो बाहर खाना जेडे लोग आते उन्हां वास्ते लगता सी, इन्हां दे घर कोई जाता नहीं है नहीं खाना लगता। खाने का तो पता नहीं पर चन्नी साहब की सफाई किसी नूं हजम नहीं हो रही। विरोधी आख रहे ने कि हुण इन्हां नूं ए कौन पुछे कि केड़े पंजाब दे लोक इन्हां नूं मिलण आए सी जिन्हां लई ताज तो 3900 रुपए प्रति प्लेट वाला खाना मंगवाया गया सी। जिन्ने दा बिल बनया उस हिसाब नाल लगता है कि पूरा पंजाब ही पहुंच गया सी खाना खाण, 2500 रुपए वाला जूस पीण। खैर हुण इस मामले ते सियासत पूरे जोरां ते है ते वेखणा होवेगा कि अगे ए शाही भोज ते केड़ी सियासी खिचड़ी बनती है। रविंदर मीत दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, मोहाली।
सो बिल्कुल इस पूरे आर टी आई खुलासे नूं लैके हुण सियासी खिचड़ी पकनी भी शुरू हो गई है। आर टी आई दे राहीं होए चन्नी दे 60 लाख दे खाने दे खुलासे ते अकाली आगू परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने साबका मुख्यमंत्री चन्नी दे खिलाफ हुण कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहना है कि आप कांग्रेस दे विच फिक्स मैच चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत लैके कांग्रसियों का मूँह बंद कर रही आप सरकार। तो पिछले 6 महीनों तो राजा विंग के खिलाफ बसों के घोटाला करने वाली शिकायत भी ठंडे बस्ते दे विच पई है। एक बार फिर तो वह यह मामला भी याद कराते हुए नजर आए हैं कि पिछले 6 महीनों तो राजा विंग के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बंटी रोमाणा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी चैलेंज किया है। उन्होंने कहना है कि राजा विंग और चरणजीत चन्नी के खिलाफ मान कार्रवाई करके विखाओ। चरणजीत सिंह चन्नी जेडे उस वेले दे मुख्यमंत्री सी चमकौर साहब दास्ताने शहादत होया सी। बड़े दुख नाल कहना पै रहा है कि इहो जे पावन प्रोग्राम नू भी इन्हां ने छड्डिया नहीं, दास्ताने शहादत नू दास्ताने करप्शन विच बदल के रखता। इलैक्शन कमीशन मुताबक उस स्टेज दा जेड़ा खर्चा 5830 रुपये होना चाहीदा सी, जिहदा इन्हां ने 97 लाख रुपया दिता। कंप्लेनेंट अगे यह भी कहिंदा है कि ये सारे पैसे जेड़े मुख्यमंत्री दे मुंडे दा व्याह होया सी 10 अक्टूबर 2021 नू, सारा व्याह दा खर्चा इस प्रोग्राम चो कढ के दिता गया। वो सारे दा फिर खर्चा जे एदे राही नहीं गया ते मुख्यमंत्री पब्लिक करे कि वो खर्चा केड़े खात्यां चो उन्होंने पेमेंटां कीतियां, वो टेंट दियां, वो व्याह दियां, वो गौण पाणी दियां, वो खाण पाणी दियां। ये ना एक बड़ा फिक्स्ड मैच चल रहा कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी च, लोगों नूं मूर्ख बनाउण दा काम कीता जा रहा है। परचे दर्ज भी नहीं कर रहे, कंप्लेंटां लै रख रहे हैं लोगों तो इन्हां दे खिलाफ। मंतव यह है कि जिहदे जिहदे खिलाफ कंप्लेंट आ गई वो आपदी जुबान ना खोले। 6 महीने पहला अज तो राजा विड़ंग दे खिलाफ एक कंप्लेंट गई सी बसां दी खरीद च ते बसां दी बॉडियां लवाउण च, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस नाल अटैच किया गया। मुख्यमंत्री नूं कंप्लेंट हो गई, DGP नूं कंप्लेंट हो गई, डायरेक्टर विजिलेंस नूं कंप्लेंट हो गई। वो कंप्लेंट किहड़े ठंडे बस्ते च पई है ते राजा विड़ंग जिहदा मूँह बंद नहीं हुंदा सी कदे अज आए हैं जिवें मूँह च जुबान है नहीं। कांग्रेस दे सारे मंत्री जिहड़े पिछली सरकार च रहे सब चुप्पी साधी बैठे, लोकां दी आवाज जे चक रहा अज तां श्रोमणी अकाली दल बेखौफ होके जिथे पंजाब दे वसीलियां दी लुट हो रही है। अज एडवर्टाइजमेंट जिहड़ा पैसा जाया किया जा रहा उहदी कंप्लेंट च गवर्नर नूं लिखती गई है, तहसीलदार सुखबीर सिंह बादल वालों गई है। मैं मुख्यमंत्री नूं चैलेंज करदा, ब्लेटेंट कंप्लेंट्स तुहाडे कोले आईयां वी हैं, चन्नी खिलाफ भी आ गई, राजे विड़ंग खिलाफ भी आ गई, परचा दे के दोनों नूं अरेस्ट करके दिखाओ फिर मनिए। तुहानूं वेला हो गया छोटे वक्फे दा, खबरां दा सिलसिला लगातार जारी है।